Hi, this is Neet Mahal. I'm the cover star of Balle Bolly magazine. और आपको कितनी खुशी हुई थी जब टेरेंस के साथ डांस किया था? Oh God, it's so hot. <laughs> <laughs> मैंने पता है फूलों वाली शर्ट उसी को देख के पहनी है. Oh <laughs> shit. <Seriously? laughs> मैंने देखा उसने फूलों वाली शर्ट पहनी और व्हाइट शूज पहने हैं। ओ oh, अच्छा तो मतलब आप पूरा टेरेंस uh, सर की फील में हो। हाँ। सॉरी बोलूंगी उनको। सारी बोलूंगी उनको नहीं नहीं ठीक है वो आपकी मर्जी है इतनी जिंदगी में कभी इतनी नर्वस नहीं हुई मैं मेरे अंदर मेरी मतलब धड़कन इतनी तेज हो गई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं शर्मा रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं पति के साथ नाच रही हूँ क्या हो रहा है मैं शर्मा रही हूँ

आप बोलोगे कि हर उस पे बात पे बात नहीं नहीं मैंने नहीं। आपका प्रोफाइल चेक किया यू नो बहुत कम लोग हैं जो राहत इंदौरी साहब को फॉलो करते हैं वो भी पंजाब से <laughs> मैं बहुत तो उनको वो करती हूँ मानती हूँ क्या मतलब ये सब चीजें आज के टाइम में ना हम सुनते हैं ना लिखते हैं तो आई थिंक ये एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए सुननी चाहिए और अगर आप लिख सकते हो तो लिखनी भी चाहिए hmm. क्योंकि आई थिंक एज एन आर्टिस्ट भी और एज एन पर्सन भी आपको ये बहुत कुछ सिखाती हैं hmm. uh, तो जैसे मैंने एक कोई पाकिस्तानी हमारे um, कोई आई थिंक प्रीचर हैं उन्होंने बोली थी ये बात मैं थोड़े दिन पहले ही उनका पढ़ रही थी कि uh, जो तेरी किस्मत में है वो तेरे से कुछ छीन नहीं सकता जो तेरी किस्मत में है वो तेरे से कोई छीन नहीं सकता और यकीन अगर उस बाहेगुरु पर हो तो तुझे वो भी मिलेगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता क्या बात आपने अभी क्लियर कर दिया अच्छा वो क्लियर कर दिया पहले सुबह ना मैं पूरी उसकी समरी खोल के बैठ गया था पहले कि मैंने कहा अगर मैंने पूछ लिया था ना ये सवाल और आगे से नींद ने मेरे को कहा अच्छा तुमने पढ़ी है तो मेरे पास तो जवाब ही नहीं होगा कोई तो मैं उसकी समरी सुन रहा था पता है उसकी पंद्रह मिनट सुनी है मैंने मतलब <laughs> से बंदे केड़े-केड़े शेयर खरीदे दे टॉप सीक्रेट सो यू इन्वेस्ट है आई इन्वेस्ट या सम टाइम्स आई डू एंड डिपेंड करता है मेरे मूड पे डिपेंड करता है जब मेनू दिल कीता मैं कहा चलो चेक करो आज की की है आज चलो आज सो म्यूचुअल फंड भी म्यूचुअल फंड्स नहीं ओके सिर्फ शेयर और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में मेरा इतना मैं बहुत कैलकुलेटिव नहीं हूँ अच्छी नहीं हूँ मैं ज्यादा मतलब लेकिन गोल्ड इज सेफ हाँ वो सबसे सेफ है सबसे हर से किसी के लिए सेफ, सेफ, है। सेफ है तो वैसे शौक है गोल्ड पहनने का मुझे कुछ भी पहनने का शौक मतलब कुछ भी मतलब <laughs> गोल्ड <laughs> सिल्वर मतलब गोल्ड सिल्वर मुझे बहुत ज्वेलरी का शौक नहीं है ज्यादा मतलब बट मेरे फादर मतलब उनको एकदम वो खुश होकर बैठे थे कि एकदम मजे में सो so, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना वो सब तो तो बता रहे थे, थे मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैंने जिंदगी में कुछ बनाया नहीं बनाया मैं कहीं पहुंची नहीं पहुंची नहीं पर मेरे लिए ये मेरी अचीवमेंट है कि मैं एटलीस्ट उनको छोट छोटी छोटी खुशियाँ दे पा रही हूँ यही तो चीज़ है असली चाहे हम कुछ बने चाहे ना बने वो एक सेकेंडरी इशू है बिल्कुल है ना हम वहाँ पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे लेकिन वो जो खुशी आपने दे दी ना उससे बड़ा मूल्य नहीं हो सकता

ये इट्स लाइक यू नो दैट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन यू नो वेयर यू रियली फील एंड यू स्पीक आउट यू नो आपकी मुझे बहुत मजा आया नहीं सच्च? नहीं वो मजा इसलिए क्योंकि बिकॉज क्या है ना कि इसी मैं ना वो नहीं करना चाहता मैंने इसलिए आपको बोला था कि मैं वो सवाल तो पूछूंगा इन्हें जो सब पूछ चुके हैं है ना बिकॉज वो तो दुनिया देख चुकी है है ना आई वांट समथिंग न्यू नीक Hi Neet

थोड़ा सा ये बदलाव hmm. क्यों आया लाइफ में ना आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत सारे लाइफ में फेजेस ऐसे आते हैं कि आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं सो so, मेरी लाइफ में आई फील ट्वेंटी ट्वेंटी बाद का जो टाइम रहा है कोविड के बाद कोविड के बाद का सो इट इट इज लाइक अ स्टॉम यू नो तूफान ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ 네ਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹਾਂ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਯੂ نو ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਵਰਜਨ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਊ ਆਮ ਮੋਰ ਮੈਚੁਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਟ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਉਹ اچھی ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਯੂ نو ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸੌਣੇ ਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ है हाँ ना आपका बीपी बढ़ाएं आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो मैंने ना मैं भी जैसे शेर शायरी थोड़ी सुनती हूँ और लिखती भी हूँ तो मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे आई थिंक मैंने थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी तो किसी ने बोला था कि यू नो रेस चाहे जिंदगी की हो रेस चाहे गाड़ी की हो रेस चाहे जिंदगी की हो रेस चाहे गाड़ी की हो आ, वो आप जीतते तब हो जब उसमें गेयर सही टाइम पे पड़ जाए क्या बात है समझे सो so, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भागते, भागते, भागते रहते हैं भागते रहते हैं, भागते रहते हैं जिंदगी में बट हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि राइट टाइम कब है और राइट टाइम पे हमने राइट डिसीजन कब लेना है सही बात है सो उसकी वजह से हम लोग आई थिंक पीछे रह जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम किस्मत को कोसते हैं लेकिन लेकिन मेरे को लगता है नहीं। थमना पीछे नहीं रहते हैं हर किसी का अपना टाइम होता है टाइम होता है हाँ वो ना? बट बट वो हम खुद से फाइट करते हैं हाँ। कि आ, मैं पीछे रह गया मैं पीछे रह गया वो अच्छा वो ये वो कर रहा है मैं तो यही कर रही हूँ अभी तक मुझे वहां होना चाहिए था वो हमारी खुद से फाइट होती है बिल्कुल कि हम खुद को कोसते हैं कि यार मैं पीछे रह गया बट हमें वो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही होती है कि शायद हम राइट टाइम पे वो राइट गियर नहीं डालते हैं जो जरूरी होता है लाइफ को पुश करने yes, के, yes. के लिए और एक वो जो यहाँ तक भी मैं मेरे जो गोल्स रहे हैं मैंने अचीव किया है एक स्मॉल टाउन गर्ल जिसका कोई आगे पीछे बैकग्राउंड ही नहीं है बिल्कुल किसी की गाइडेंस नहीं है मेरे फादर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल उनको yes. कोई मेरा कोई और मेरे कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसा है दूर दूर तक नहीं कि जो कोई मुझे बताए कि नीत तेरा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए yes. तुझे पहले ये करना है इसके बाद ये करना है जो किया खुद से किया खुद के दिमाग से किया खुद के एक शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए उनको अचीव किया सो मैंने जितना भी अभी तक अचीव किया मैं कह रही हूं मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ बहुत कुछ करना है मुझे बट जितना भी किया है ये मैं प्राउडली कह सकती खुद से किया है खुद की मेहनत से किया है सो so, मुझे ये पता है कि जो मेरे आगे भी गोल्स हैं जो बहुत बड़े हैं मुझे लग रहा है बट मैं उन उन तक पहुंचूंगी, 100% परसेंट पहुँचूंगी बिकॉज आई थिंक जब आपका सेल्फ बिलीफ ख़त्म हो जाता है ना आपकी बेसिकली जर्नी वहाँ ख़त्म हो जाती सही है सही बात। आपका सेल्फ बिलीफ रहता है ना तो आपकी जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है और वो जर्नी में फिर आप उस जो आपका एक वो टारगेट होता है जो एक जो आपकी डेस्टिनेशन होती है फिर आप वहाँ तक पहुँचते हो वो पहुंचना ही आपने एक दिन जितने आप कर्म कर रहे हो ना वो सब जुड़ रहे हैं हमें लगता है कि पता नहीं भगवान हमें फल क्यों नहीं दे रहा लेकिन वो जिस दिन देगा ना उस दिन हम कहेंगे यार ये भी तो सोचा ही नहीं था मैंने exactly. और इतना मिल गया है exactly, exactly. तो वो चीज है हमें तो सरक... ये, ये ना इस पे भी मैं आपको मुझे ना आप बोलोगे की हर उस पर पे बात नहीं मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया यू नो बहुत कम लोग हैं जो राहत इंदौरी साहब को फॉलो करते हैं वो भी पंजाब से <laughs> मैं बहुत उनको आ, वो करती हूँ मानती हूँ क्या मतलब ये सब चीजें आज के टाइम में ना हम सुनते हैं <laughs> ना लिखते हैं तो आई थिंक ये एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें पढ़नी चाहिए <laughs> सुननी चाहिए और अगर आप लिख सकते हो तो लिखनी भी चाहिए <laughs> क्योंकि आई थिंक एज एन आर्टिस्ट भी और एज एन पर्सन भी आपको ये बहुत कुछ सिखाती हैं <laughs> Uh, तो जैसे मैंने कोई पाकिस्तानी हमारे um, कोई आई थिंक प्रीचर हैं उन्होंने बोली थी ये बात मैं थोड़े दिन पहले ही उनका पढ़ रही थी ये hmm. कि uh, जो तेरी किस्मत में है वो तेरे से कुछ छीन नहीं सकता hmm. जो तेरी किस्मत में है वो तेरे से कुछ छीन नहीं सकता और यकीन अगर उस वाहिगुरु पर हो तुझे वो भी मिलेगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता क्या बात है? ये so, बहुत अच्छी या, yeah, so uh, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए चाहिए। और और एफर्ट्स करते रहना चाहिए, so I think nothing is impossible. Yes. सब मिल सकता है सब आपको। मिल सकता है। और मैं भी कहीं कहीं उस चीज को फॉलो करके अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिश में हूँ और कोशिश आप तो मेरे को लग रहा है कि यू नो दौड़े हुए हो आप तो मतलब कि अभी कितने दस साल हो गए दस बारह तो नहीं हुए हैं मुझे मैंने टू

फिर आप बताते थे नहीं नहीं मैं तो पंजाब से ही हूँ ना उनको लगता था दिल्ली से हो है ना फिर आपने अपना नाम चेंज किया है ना लेकिन नाम नहीं चेंज किया आपने अपनी कास्ट को लगाया है ना आई, तो उस, उस पर भी बहुत अपना नाम शॉर्ट कर दिया मर्जी लगाए वो बिल्कुल है लोगों को उसमें कोई वो फर वो नहीं होना चाहिए कि सी नीत महल नीत कौर

एक आपके खुश होंगे मतलब मेरे पापा तो मतलब टचवुड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज में उन्होंने कभी हमें फील नहीं करवाया ऐसे की मेरे घर में दो लड़की है कभी भी आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब पापा की जुबान से निकला हो hmm. कभी भी उनकी इतनी एज हो होगी क्योंकि yeah. हम लोग लेट पैदा हुए हैं yes. तो बट आ, कभी भी ऐसा नहीं लगा वो वो हमेशा पता ये कहते हैं कि लड़के जिनके घर पे पैदा होते हैं ना वो भाग्य से होते हैं जिनके घर में लड़कियां पैदा हैं न, होती हैं ना वो सौभाग्य से होती है तो वो इस चीज को बहुत मानते हैं और वो बहुत प्राउडली कहते हैं मेरी बेटी हैं दो और बहुत उन्होंने हमें अच्छे से ब्रॉटअप किया है जो कहते हैं एजुकेशन मुझे पूरी दी उन्होंने एजुकेशन तो मिलनी थी ना प्रिंसिपल थे हाँ, मतलब मुझे उन्होंने मैं बोर्डिंग्स में रहकर पढ़ी हूँ हॉस्टल्स में रह कर पढ़ी हूँ अच्छा। तो उन्होंने मतलब एज अ फादर उन्होंने मुझे नहीं लगता किसी चीज में कोई कमी छोड़ी है ये मेरा डिसीजन था कि मुझे इस प्रोफेशन में आना है बट वो बींग अ टीचर उनको ये था मैं अपनी बेटी को प्रोफेसर बनाऊँ पी एच तो उन्होंने मेरी स्टडी पे अपनी तरफ से पूरा उन्होंने जोर लगाया पैसा खर्च किया जितना हो सकता था सब किया उन्होंने तो मुझे उनसे कोई कभी कंप्लेंट नहीं मुझे लगता ही इज़ द बेस्ट फादर और हर हर जन्म जन्म में में है ना सीरियसली मतलब अब क्या होता है ना कई बार आ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उनको लेके आप कह रहे हो ना लाइफ में मैं, <laughs> लाइफ में आप कह रहे हो ना कि आप थोड़ा सा बदल क्यों जाते हो सो आपके पेरेंट्स जब ओल्ड होते हैं ना तो वो अब उनकी ना एज इतनी होगी है सो फिजिकल प्रॉब्लम इतनी होती हैं hmm. तो एक नाग बींग अ डॉटर ना, ना आपके लिए देखना बहुत मुश्किल hmm. हो जाता है एंड रिसेंटली uh, मेरे मम्मा का भी थोड़ा ऐसा था पिछला साल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग साल hmm. था और अकेली लड़की हूं तो खुद से यू you नो know, सब चीजें करनी वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है hmm. तो आप ना लाइफ में आकर थोड़ा सा ना शांत हो जाते हो hmm. ये सब चीजें में आपको थोड़ा बदला आपकी एज ए पर्सन आपको थोड़ा चेंज कर देती है yes. ये सब चीजें जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाती है जब आपको दिखता है कि आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं hmm. है ना आपको एक डर रहता है सही बात है कि मैं इनको खो ना दू तो वो सब चीजें ना बहुत ट्रबल करती हैं और आर्टिस्ट वैसे बहुत सेंसिटिव होते हैं सही बात है। आर्टिस्ट ना कुछ ज्यादा सोचते हैं मुझे ऐसा लगता है नहीं आर्टिस्ट तभी आर्टिस्ट है बिकॉज वो हर इमोशन को कुछ आई थिंक एक्स्ट्रा फील करते हैं मुझे ऐसा लगता है सो so, uh, so ये दो तीन साल थोड़े से मेरी लाइफ के चैलेंजिंग ईयर रहे हैं और इन सालों में मैं बहुत कुछ सीखी हूँ बहुत uh, कहीं ना कहीं बदल गई हूँ शायद और मेरे पेरेंट्स इसमें बहुत बड़ा एक उनका इम्पोर्टेंट रोल है कि वो थोड़े से अब उनकी हेल्थ खराब रहने लगी है एज बढ़ गई है तो मुझे अपना करियर भी देखना है एट द सेम टाइम मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है बिकॉज आई हैव ब्रदर मेरे कोई आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कहे नहीं तू काम कर मैं हूँ मैं मम्मी पापा के ध्यान रख मेरी बहन भी छोटी है सो so, वो एक चैलेंजेस जो मुझे आ रहे हैं जो मैं फेस कर रही हूँ बट uh, मैं बैलेंस करने का ट्राई कर रही हूँ फिर भी कि मैं अपने काम को पे भी फोकस कर पाऊँ और अपने मम्मी पापा की भी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो कि मैं काम ही करती रहू और कल को कोई उनको हॉस्पिटल लेके जाने वाला भी नहीं है और कल को मुझे रिग्रेट हो कि नहीं तू राइट टाइम पे वहाँ थी नहीं और उनके साथ ये चीज होगी yes. तो मैं वो जिंदगी में रिग्रेट कभी नहीं मैं मुझे मेरे गोल्स लेट अचीव हो जाएंगे मैं कर लूंगी hmm. कोई चक्कर नहीं है दो साल बाद हो जाएंगे बट जो अभी मुझे मुझे पता है उनको मेरी जरूरत है इस टाइम yes. अगर इस टाइम में उनके लिए नहीं हो ना और कल को मैं रिग्रेट में लाइफ जीना चाहती सो ये चीज है नहीं नहीं और और पता है क्या पेरेंट्स के साथ वक्त बिताया so, हुआ ना बहुत याद रहता है मतलब कि वो हम ना हम बिजी हो जाते हैं अपनी में में अपने काम में है ना और हर जगह हम यही सोचते हैं उनके साथ क्योंकि यू you नो know, उनका बुढ़ापा दोबारा नहीं आएगा है ना उनको जरूरत अब है तुम्हारी मुझे लगता है लाइफ में आपको सब मिल सकता है सब मिल जाएगा आपको आपके पेरेंट्स फिर नहीं मिलेंगे कभी भी और मुझे लगता है उनके बिना आपको आपके लिए ना उतना कोई खुश हो सकता है ना सेल्फलेस उतना कोई सोच सकता है ना कर सकता है जो आपके parents कर सकते हैं, सो so, उनकी जगह लाइफ में कोई ले ही नहीं सकता कोई भी नहीं मैं कह रहा आपका कितने से कितना पुराना दोस्त हो कोई हो रिश्तेदार हो जो साथ पेरेंट्स देंगे ना वो कोई नहीं देगा बिल्कुल बिल्कुल ट्रू ट्रू आई एग्री ऑन दिस सो मुझे यही लगता है कि आप आई थिंक हर किसी इंसान को यू नो बैलेंस करना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को दोनों चीज़ें आपकी सफ़र नहीं होनी चाहिए yes. किसी एक रीज़न की वजह से हाँ उसमें शायद आप थोड़े खुद सफ़र हो जाते हो It's क्योंकि okay. जैसे मुझे लगता है मैं भी होती हूँ कि बैलेंस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, है आपके लिए दोनों चीज़ें क्योंकि नि... जैसे अगर मुझे मुंबई जाकर रहना है तो मैं मुंबई जाकर नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पीछे से उनको संभालने वाला कोई नहीं है

कि कुछ मेरे साथ 2 साल ये चीजें ऐसी हुई हैं कि मेरे रिलेटिव्स भी आगे खड़े नहीं हुए आते हैं वो एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के या, लिए कि हां जी अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है ओके चलो ऐसे चल लें वो ये नहीं देखेंगे कि यार कुड़ी कल्ली पजी फिरदी आ कुड़ी कल्ली हॉस्पिटलਾਂ ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੱਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋ ਯਾਰ ਸੁਪਰ वूमन ਆ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ वूमन 100% ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀਕ ਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਯੂ نو ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਇਟ ਜਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ फिर मेरी सिस्टर, जो है, मेरी सिस्टर भी actually, oh, भी एक्चुअली शी इज नॉट दैट उसमें कुछ चैलेंजेस फिजिकल सो सपोर्टिव नहीं है कि मैं कि मेरे ना मोड़ा मिला hmm. के मेरी दूसरी भैन भरा खड़ा कोई टेंशन नहीं सो इट्स ऑन माई शोलडर सब कुछ सो so, मैं खुद सब कुछ कर रही हूँ <laughs> <laughs> अमिताभ अमिताभ बच्चन अमिता पादु हाँ, के ना ना इरफान खान दी हान हान उसमें वो ना एक, वो बोलती है कि यू नो अगर तुमसे शादी करनी है तो तुम्हारे पापा को भी संभालना पड़ेगा तो हाँ। दीपिका कहती है यस तो यू नो अगर अगर नीच से किसी ने शादी करनी है तो फिर वो पेरेंट्स है देखो वो तो ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਨਕਰ ਜਵਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕਹੇਗਾ ਯਾ ਯੂ نو ਨਾ ਹਾਉਟਸ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਿਕਾਉਂ ਦੋਨੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇਮ ਯੂਂ ਦੇ ਚਾਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਮੈਂ ਲਿਕੇ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੂਡੀਅਸ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਮੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਖਾਲੀ ਬੋਰਿੰਗ ਬੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੰਗੜਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੇਮਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਰੇਸਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੈਨ ਲੌਂਗ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚ ਸੀ ਫਾਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚੋ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 네ਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਨੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂ نو ਰੈਪਸ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਰੈਪ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੈਪ ਹੁ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ اچھا ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਕੋਈ ਅ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਬਟ ਮੈਂ ਅ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅ ਯਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਜੋ 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 ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ نو ਅਗਰ ਆਪ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਉਸਕੋ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ

कि बट इसको मैंने अभी पढ़ने लगा देना तो जल्दी एज में सब कुछ उन्होंने दिमाग में डालना शुरू कर दिया फिर घर में पढ़ाना yes. तो माहौल वैसा रहा है सही बात है और सारे पापा के फ्रेंड्स जो मेरे अंकल चाचू सारे सारे टीचर अच्छा बंक भी नहीं मार सकते ना? <laughs> बंक भी नहीं मार सकते घर में भी आकर ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਟੈਂਸ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਸ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਟੈਂਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 4th 5th 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੋ ਯੂ ਆਰ ক্লোਜ਼ ਟੂ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਏਮ ক্লোਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਮਦਰ ਅੱਛਾ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ मैं दोनों और पापा 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 की की <laughs> की परी <laughs> <पापा> की परी होती मेरी छोटी छोटी बहन है वो के साथ उनका ज्यादा कनेक्शन मतलब मेरा मेरे फादर के साथ कनेक्शन ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकती उनको कुछ <laughs> अंदर रख सकती हूँ मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मेरी छोटी बहन भी एक्सप्रेस कर देती कि आगे से जवाब नहीं दे सकती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं अगर मुझे कुछ लग भी रहा होगा मम्मी को बोलूंगी hmm. यार मम्मी पापा गलत है यार ऐसे नहीं यार ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं हाँ मतलब डायरेक्टली मुझे पता है कि मेरे पापा एग्रेसिव नेचर hmm. के हैं वो ठीक है मुझे ये है कि वो कुछ बोल देंगे फिर ah. तो मुझे हर्ट होगा ah. और मैं उनको आगे से बोलना न, नहीं, नहीं चाहती हर्ट नहीं करना चाहती ना वो बहुत तो बहुत अच्छी तो इसलिए फिर ये है कि उनको अब मम्मी के साथ आप लड़ भी लेते हो हाँ, बोल भी देते like हो और मेरी और मम्मी के दिन में दस बार कहा सुनी होती है हर घर में यही ठीक होता है, है. <laughs> तो वो चलता है तो मम्मी के साथ फिर आप दिल की बातें भी उतना खोल कर कर सकते माय मॉम इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरे मम्मा जो मैं वो बड़े मजाक ने के, तू हूं कोई मुंडा भी लभ है ना कोई बॉयफ्रेंड ही बना ला कह रहे मतलब मैं तो ये सोचते सोचती तेरे ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮम्मा ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ-ਮੁੰਡੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਮਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ نو ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਔਰ ਆਜ ਕੱਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਲੜਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਬ ਯਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਏਜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ اور یو نو ਵਿਆਹ ਨਾ लेट ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟਨਰ ਹਮ ਹਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟਨਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜੇਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹਾਂ कि अगर मेनू लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 파ਟਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਨਜੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਨਜੀਓ ਖੋਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰੂੰਗੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂੰਗੀ ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੁక్స్ ਲਿਖੂਗੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਲਸ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਕਾਲਜ ਸੋ ਆਈ ਇੰਜੋਏਡ ਬਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਸ ਹੀ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੀਤ ਯੂ نو ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਸੋਲੋ ਆਈ ਟਰੈਵਲ ਸੋਲੋ অর ਇਦਰ ਆਈ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਇਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਮਦੀ ਹੋ ਮਾਇਆ ਗਈ ਹੋਵਾ ਬਟ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਮੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਸ ਅ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਡੀਪ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂ نو ਲਾਈਫ ਇਜ਼ 올 ਅਬਾਊਟ ਯੂ Yes ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਯੋਰ ਲਵਡ ਵਨਸ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ Yes ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸਸ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਫਿਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਪੀਣਾ ਹੁਣ ਜਿਮ ਹੁਣ ਉਹ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਥੌਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ yes ओफिस, ओफिस ए, हुण 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 yes You know, आपने कभी पे ना एक 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 फोटो डाली हुई थी थी जिसमें आप एक बुक बुक पढ़ पढ़ रहे हो डैडी करके अच्छा वो 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 वैसे बता नहीं रही हमारा <laughs> ये था शूर था थोड़े okay, दिन पहले okay. तो उसमें मेरा था okay. तो मेरी वो वाली शॉर्टरिंग okay, okay. नहीं ठीक है मैंने भी ऐसे दो चार फोटो में खिंचवाई हुई है

मेरे उसकी वजह से एक पोस्ट की वजह से आपने पूरी उसकी जमीन मैंने पूरी नहीं पढ़ी वो पंद्रह मिनट तो सुन ली थी मैंने उसके आगे मेरे मैंने सुनी नहीं गई <laughs> क्या था उसमें मुझे भी नहीं पता मतलब कि वो साइकोलॉजी के ऊपर आई थिंक थोड़ी सी ना वो जिसके ऊपर डीप थिंकिंग है उसके अंदर और बड़ी चीजें हैं बहुत सारी okay. तो मैं ਫੁਲ ਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੇ ਉਪਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਓਕੇ 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 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ ਐਸੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜਦੀ ਆਂ ਉਹਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਸ ਰਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਆਈ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਥੋੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ نو ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਪਾਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਕਗਾਏ ਹਾਂ ਇਕਗਾਏ ਉਸ ਇਕਗਾਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ that book is all about that ਕਿ ਜਪਾਨੀਜ਼ ਦ ਲੌਂਗ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਤ ਨੇ 100 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ 100 ਤੱਕ ਕੱਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਪਾ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਯੂ نو ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਫੇਕ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਇਨ ਅ ਵੇ ਫੇਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੈਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਗਲੈਮਰ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲੈਮ ਸਮਝ ਲਓ ਯੂ نو ਜੋ ਗਲੈਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆਂ ਆਪਣਾ ਗਲੈਮ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆਂ ਬਟ ਡੀਪ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ what you are going through as an actor ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ profession 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਸ ਬਾਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ ਆ ਯਾ ਮੇਰੀ ਆ ਮੂਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬਟ ਇਸ ਇਸ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਕਹਣਗੇ ਲੈ ਬਾਈ ਬਸ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਚ 50 ਰੁਪਏ ਪਏ ਆ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀਓਗੇ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਬੀਟੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਯੂ نو ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਐ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੱਪਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਨੈਸਟਲੀ ਦਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਇਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਿਓ ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਦਾ ਕਮਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆ ਸੋ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਯੂ نو ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਰ ਜੋ ਐਕਟਰ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ نو ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਾੜੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗਾੜੀ ਥੀ तो कह रहा लेकिन ना मैं अपनी छोटी गाड़ी में जाता था तो लोग ना बड़े अजीब तरीके से देखते थे वही कह रही हूँ तो लेनी पड़ी। लेनी पड़ी। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, तो मेरे को कोई नहीं है कि मैं बड़ी गाड़ी में रहा, लेकिन जैसे मेरा फोन है मेरे पास ये आई थिंक इलेवन है शायद इलेवन प्रो कौन सा था ये वो है जिसको दो तीन साल हो गए फोन लिए तो मुझे बहुत सारे लोग कहते है यार 14 आ गया 15 आ गया तुम क्यों नहीं ले रही

ਥੋੜੀ ਜਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫालतू ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਉਡਾਇਆ ਯੂ نو ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਏਜ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ایکسپੀਰੀਅנס ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਸ ਮੂਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਆ ਟੌਪ ਸੀਟ ਸੋ ਯੂਨੀਵੈਸਟ ਆਈ ਇਨਵੈਸਟ ਯਸ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਆਈ ਡੂ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖਾ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ওকে ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਹਾਂ वो सबसे सेफ है सबसे हर किसी के, के लिए सेफ है वो तो वैसे शौक है गोल्ड पहनने का मुझे कुछ भी पहनने का शौक मतलब कुछ भी मतलब <laughs> गोल्ड सिल्वर <laughs> मुझे मतलब मतलब गोल, बहुत ज्वेलरी का शौक नहीं है ज्यादा मतलब, मतलब, मतलब मैं शूट के लिए हाँ बस उस उसके लिए बस मुझे थोड़ा सा जैसे मैंने थोड़ा छोटा सा पेंडेंट पहना हुआ है ਐਸੀ ਸੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਭਰ ਲਾਂ ਜੀ ਰਿੰਗਾ ਪਾ ਲਾਂ ਗਲੇ ਚ ਪਾ ਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ ਕਭੀ ਕਭੀ ਸ਼ੂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਲਾਈਕ सो so, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा बंदा मुझे आगे मिले तो प्लीज <laughs> जो भी मेरा जो भी आगे बॉयफ्रेंड या पति देव हाँ। जो भी कोई मिलेगा मुझे आगे मैं तो ये पहले तुम प्रपोजल रिंग ले हाँ। ना, रिंग लेके आना सॉलिटेयर घुटने पे बैठ के के वो डब्बी खोल हाँ, प्रॉपर वैसे और प्रॉपर फ्लावर्स और वो सब पूरी ना बारिश वो सारी हाँ। वैसी होनी चाहिए हाँ। तो एकदम मुझे वैसा मैं फिल्मी हूँ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए तो मुझे वैसा प्रपोजल ही पसंद है मुझे बोरिंग बंदा मुझे नहीं चलेगा जब बोरिंग हम खुद नहीं है तो बोरिंग बंदा कैसे चलेगा मतलब आ, मतलब के लड़के के ओ, like guys, you know, मतलब मतलब कई हैं हैं कि कि कोई नहीं होता <laughs> मैं सब देख चुका सब 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 या तो बंद कमरों में एक मतलब मतलब एक जैसे जैसे ही ही होते हैं, ही हैं। पर्दे के पीछे कुछ और हाँ मतलब नो सब शरारती होते हैं वो तो सब दिखाने के लिए हम थोड़ा सा आराम से बैठते हैं नो ऐसे बैठते हैं वैसे करते हैं बिल्कुल बिल्कुल वो चीज तो होनी चाहिए

तो मतलब यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली की फ्लाइट दो दिन हमारा दिल्ली का शूट था उसके बाद दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी और मुंबई भी फर्स्ट टाइम गए थे वो लोग तो वो इतना मेरे पापा वापस आके पापा के फ्रेंड्स हैं अपने आ, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनका अपना एक ऑफिसर्स का जो जो सारा रहता ना ग्रुप है तो वो उनमें सब में इतना प्राउडली बैठकर बता रहे थे तुनू पता ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਝੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫੋਬੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਲਾਈਟ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਕੋ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ تھے ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮਜ਼ੇ ਮੈਂ ਸੋ ਮੂਝੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਹਾ ਥਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਤਾ ਰਹੇ تھے ਮੂਝੇ ਲੱਗ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ कि मैं एटलीस्ट उनको छोटी चोट छोटी खुशियां दे पा रही हूँ यही तो चीज है असली चाहे हम कुछ बने चाहे ना बने वो एक सेकेंडरी इशू है बिल्कुल है ना हम वहाँ पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं लेकिन वो जो खुशी आपने दे दी ना

सारी बोलूंगी उनको नहीं नहीं ठीक है वो आपकी मर्जी है हाँ बट ठीक है मैं इतनी जिंदगी में कभी इतनी नर्वस नहीं हुई मैं मेरे अंदर मेरी मतलब धड़कन इतनी तेज हो गई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं शर्मा रही थी ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं मैं अपने पति के साथ नाच रही हूँ क्या हो रहा है मैं शर्मा रही हूँ और बाद में उन्होंने बोला भी उस बंदे का एक्सप्रेशन बहुत सही हो माय गॉड ही इज अमेजिंग मतलब जोक्स अपार्ट बट ही इज अमेजिंग क्या उन्होंने कोरियोग्राफी की क्या एंड ही इज अमेजिंग पर्सन कुछ उनमें कोई वो नहीं है वेरी ग्राउंडेड yeah. और क्या अच्छे से बात की उन्होंने सबसे इज वेरी मतलब

बड़ा सोचना बिल्कुल ना? मैं तो सोचती हूं, हाँ। आप बड़ा तो 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 सोचती आप करोगे करोगे उसका आधा कुछ हो ना। ही छोटा धागे तोड़ नहीं ये नहीं था अरे सॉन्ग बोलना हल्के हल्के नहीं नहीं बोलना हल्के आई थिंक वही था बोलना हल्के मुंह पे चढ़ गया वही था

और बहुत उन्होंने भी सेट पे जैसे हम लोग थे सो so बहुत कंफर्टेबल फील करवाते थे और बहुत कॉपरेटिव एक फैमिली वाला माहौल हाँ। सब को साते रहते उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है बिल्कुल, बिल्कुल। उनको लगता है कोई लो भी है तो उसको भी थोड़ा करते बूस्टअप हाँ। करते कि नहीं नहीं चक दे फट्टे इतना और सो so पूरा एक माहौल एक पूरा एक बहुत फ्रेंडली था सब सो इट वॉज़ ग्रेट एक्सपीरियंस मतलब जब मेरे पास शो आया था तो मुझे बहुत सारे लोग मैंने जैसे फ्रेंड से भी से ले रही थी एडवाइस yeah. कि क्या करूं करूं नहीं करूं शादी का कर शो है यार yeah. एक थोड़ा कि कैसे बट देन फिर मुझे ये लगा यार एज एन आर्टिस्ट आई थिंक आई शुड एक्सपीरियंस आई शुड एक्सप्लोर सो इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टूगेदर यू नो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ रियलिटी शो बट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रियालिटी शो सो तो मैंने घट किया चक दे फटे mm. कोई चक्कर नहीं तो कभी मैं ना वो नहीं जाना चाहता वो आपने बहुत सारे देना है है ना हर है ना हर हाँ हाँ, हाँ, ज्यादातर हाँ तो तो हाँ, हाँ. लेकिन कभी मिक्का ने कुछ कान में बोला <laughs> नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला कभी नहीं बोला कि नीड़ आज बहुत सुंदर लग रही है वो माइक पे ना बोला कान में बोला नहीं मतलब जैसे बैक बोलते थे

ਬਟ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਐਸ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਕੁਡ ਡਿਸਟੈਂਸ اور ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਤੋ ਥੋੜੀ ਤੋ ਦੋਸਤੀ ਥੋੜੀ ਤੋ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਡੀ ਵੱਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ ਐਨ 스타 ਐਸ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ ショਉ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ

और तो और किसके साथ रह गया अभी कि डांस तो, करने का रवीना टंडन जी के साथ भी किया हाँ। फरा खान जी के साथ भी किया ऑलमोस्ट तो सबके शान सर तो होस्ट ही थे तो नहीं, कौन रह गया मैं वो अभी कौन रह गया अभी तो बहुत लिस्ट कौन अभी है? भी है अभी तो गब्बर रणबीर सिंह रणवीर कपूर रणवीर कपूर ऑब्वियसली रणवीर सिंह ही गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर बट

अ uh, मुझे फोटोवर्ज का भी ऑनेस्टली इतना नहीं है कि मुझे यू नो आई वांट यू नो एलवी आई वांट दिस एंड गुची दैट मुझे कोई भी स्टीम मेड and... मुझे कोई स्टीम मेड hmm. कोई भी चल जाएगा मतलब मुझे इतना नहीं मुझे hmm. अच्छा लगा तो मैंने उठा लेना है बट uh, मुझे परफ्यूम में थोड़ा मैं पर्टिकुलर हूँ कि यार मुझे परफ्यूम अगर गुच्ची uh, फ्लोरा चाहिए तो मुझे वही चाहिए अच्छा पर्टिकुलर वही हाँ, मतलब वही चाहिए चाहिए मतलब अगर मुझे ऊद का ये वाला चाहिए तो मुझे यही चाहिए। तो वो थोड़ा सा तो में कितनी है मुझे गिफ्ट भी मिलते रहते हैं ऐसा नहीं है सारे मैं खुद ही खरीदती हूँ ठीक है लेकिन पता हाँ, है कि मुझे परफ्यूम्स पसंद है जैसे मेरे भी फ्रेंड्स दुबई गए तो उन्होंने दो दो परफ्यूम ले आए वो मेरे लिए उनको पता नहीं पसंद है So इसलिए मैं खुद भी इतने नहीं खरीदती बट वो मेरे पास आ जाते हैं, तो को हैं। दोस्तों को बता के रखा करो परफ्यूम एंड वॉचेस वॉचेस मुझे अच्छा या तो डिजिटल या क्लासिक मुझे थोड़ी जैसे अभी जैसे मैंने वॉच नहीं, हाँ। नहीं।, नहीं डिजिटल मुझे नहीं जो आजकल चली हुई टोल्ड यू मुझे पसंद है सो थोड़ा मेरा टेस्ट वैसा है सही बात है जो भी हो एंटीक वाला हो या एंटीक एकदम क्लासी सही बात है ओल्ड स्कूल टाइप है ना ओल्ड स्कूल या या मैं मुझे खुद भी लगता है मैं आ, बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलती भी हूँ कि यू नो आई फील आई एम अ मॉडर्न पर्सन विद ओल्ड सोल सो मैं एक बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप गर्ल हूँ यू नो आई बिलीव इन दैट नाइन्टीज वाला लव hmm. है ना देखा yeah. है पहली बार साजन हाँ किया वैसे वाला मतलब आई डोंट बिलीव इन टाइम पास फ्लिंग मतलब मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी सही है सो so, जिसका कोई आगे जिसका पता ये कुछ है ही नहीं हाँ। तो उस पर क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करना क्यों अपने इमोशन इन्वेस्ट करने? सही बात है और मैं इमोशनल बहुत हूँ फालतू का फिर मैं तो ये है कि मुझे पता है कि मैं तो टाइम पास भी किसी से नहीं कर पाऊंगी मैं टाइम पास में भी मुझे पता है मैंने बंदे के लिए सीरियस ही हो जाना है और उस वो पता नहीं होगा नहीं होगा वो पता नहीं नहीं होगा होगा इसलिए फिर मैं मुझे मैंने इसलिए डिस्टेंस ही रखा हुआ है कि जो होगा वो एक ही होगा एक ही होगा

फैमिली का चल रहा है साइड बाय साइड अभी मेरा यही है कि मुझे एक तो uh, कोई बड़ी मुझे बड़ी फिल्म करनी है आई वॉन्ट टू डू वन बिग पंजाबी फिल्म सो जिसके लिए मैं ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल से ट्राई कर रही हूँ लगी हुई हूँ hmm. कि यार अब अब होगी अब होगी अब होगी मैं अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स में लगी हुई हूँ पंजाबी hmm. मैं हिंदी भी साइड बाय साइड कर रही हूँ हिंदी भी साइड बाय साइड चल रहा है मेरा चलो मैंने एक मैंने हिंदी फिल्म भी की है अभी मेरी अप्रैल में रिलीज होने वाली है दैट्स दिस पॉलिटिक्स पे है वो थोड़ी सी सो दैट्स माय फर्स्ट हिंदी प्रोजेक्ट ओके और उसमें आई एम प्लेइंग एज अ रिपोर्टर ओके बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फिल्म सो दैट गर्ल बेसिकली शी ब्रिंग्स आउट द होल ट्रूथ ओके बिहाइंड सर्वाइवर ऑफ दी जो बेसिकली बेसिकली जो जो लड़की हाँ, है जो, जो सर्वाइवर उसके है, है हाँ तो उसकी जो स्टोरी है उसके साथ क्या हुआ हाउ शी सफर्ड सो दैट स्टोरी शी ब्रिंग्स आउट एंड सो दट्स वेरी स्मार्ट कैरेक्टर एंड uh, वो मेरा कैरेक्टर है एंड आई फेल्ट यू नो कि यार इसमें मुझे प्ले करने को है कुछ सो देन आई वाज लाइक इट्स फाइन इट्स नॉट ओनली अबाउट आई हैव टू गो फॉर द मेन कैरेक्टर ओनली क्योंकि मेन कैरेक्टर लड़की और मेरा कैरेक्टर मैं उसमें कर ही नहीं सकती थी क्योंकि वो कैरेक्टर उनको चाहिए थे कि लड़की थोड़ी सी देसी ऐसी hmm. और शायद मैं उस कैरेक्टर में नहीं जा रही थी hmm. मुझे उन्होंने दिए बोल्ड कैरेक्टर hmm. एक बोल्ड लड़की यू नो पॉजिटिव एक फुल जैसी मैं हूँ लाइफ में एक्चुअली yes. जैसी मैं हूँ यू नो सुपर नेचुरल वुमेन टाइप तो सो uh, so वो एक थोड़ी सी तो uh, थो मैंने वो किया वो चलो मेरा हो गया साइड बाय साइड और भी हिंदी का कुछ चल रहा है मेरा वेब सीरीज का चल रहा है मैं पंजाबी इसलिए करना चाहिए चाहती हूँ क्योंकि पंजाबी ने मुझे बहुत कुछ दिया है पंजाबी ने मुझे वो पहचान दी सही बात पंजाबी में एक पहचान वो बनाई मैंने सॉन्ग्स के थ्रू या फिर मैंने मूवीज की शॉर्ट मूवीज की कोई ऐसा चैनल नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया yes. पीसीएमएच वन सबके yes. साथ राइट सो मुझे पंजाब ने वो पहचान दी hmm. सो मुझे लग रहा है कि मैं मतलब एक पंजाबी एक्ट्रेस के तौर पे ही अपने आप नु अपनी एक पहचान बनाना चाहती है कि मैं एक ਉਹ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਕਰਾਂ ਬਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੁਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੋਰੀ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਰੈਡੀ ਆਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋ एवरीवन बीडी अप्रिशिएटेड ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਸਿንስ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਲਿਖਨ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਸ ਕੋ ਸੋਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਤਾਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਿਮੀ ਸ਼ਰਗਿਲ <laughs> अच्छा आपको आपने मेरा इंटरव्यू में सुन लिया है ना <laughs> मैंने सब देखा हुआ है मतलब <laughs> कि जिमी शेरगिल आई <laughs> मीन जिमी शेरगिल जी बेसिकली जो वो स्टोरी उसमें नहीं जाएंगे हाँ, तो उस <laughs> <को> <laughs> 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 देखो वो तब देखेंगे पहले हमें प्रोड्यूसर मिले <laughs> नहीं प्रोड्यूसर तो मिल जाएगा मतलब कि हाँ प्रोड्यूसर तो कोई नहीं वो चलो वो तो बात की बात है वो स्टोरी भी मैं करूंगी बट अभी ये मेरी बकेट लिस्ट में है कि मेरे मैंने एक धमाल एक धमाकेदार पंजाबी फिल्म करनी है और फिर दूसरा है कि मैंने अपना मुंबई में घर बनाना है तो मैं मुंबई में अपना घर खरीदना चाहती हूँ बस लेकिन छोटा कभी ना सोचो लाइफ में हमेशा बड़ा सोचो है ना और मुंबई क्या दुनिया के जिस शहर में आप सोचो उसमें होना चाहिए बिल्कुल मैं एक्चुअली ना पता क्या मुंबई में क्यों मुझे लगता है मुंबई में रहना मेरा एक सपना ही रह गया है क्योंकि वापस आना रह नहीं पा रही हूँ वहाँ हाँ। पे मैं मुंबई में समझ लो जब से इस प्रोफेशन में आई हूँ सोचती थी नहीं तो तुझे मुंबई में रह के काम करना है, है तुझे मुंबई में रहना है तेरा अपना वहाँ घर होगा हाँ। तो मेरा वो कहीं सपना ही नहीं पूरा हो पा रहा वो शहर बहुत अच्छा है ना वो शहर बहुत अच्छा है वो शहर में एनर्जी है जैसे चंडीगढ़ है ना शांत वो सब भाग रहे हैं वहाँ पे रिटायर्ड लोगों के लिए आज बैठो आराम से खाओ पियो वॉक करो वो सिटी है उस सिटी में एक एनर्जी है यू you नो know, भाग रेस मतलब कुछ करने का जज्बा वो सब चीजें हैं वहाँ के लोगों लोगों में सो so, मैं हमेशा से चाहती थी जब से इस प्रोफेशन में मुझे, मुझे मुंबई में रहना है तो रह नहीं पा रही हूँ तो मेरा इसलिए अब नेक्स्ट वो है कि ये कर एक ये टारगेट करके ये एक चीज करके देन मुझे, मुझे मुंबई में रहना है और फिर मुझे, मुझे मुंबई में रह के काम करना है सही बात है सो ये अभी फिलहाल तो ये तो कितना एक्सप्लोर कर लिया बॉम्बे में से मुंबई तो मैं ऑलमोस्ट सब जगह तो जा ही चुकी घूम ऐसे तो तो कर ही लिया है काफी कुछ मैंने मुंबई में तो लॉन्गेस्ट कितना रही हो आप कि महीना महीने थ्री थ्री मैं प्रॉपर शिफ्ट गई थी okay. मुंबई ईयर अप्रैल मई में प्रॉपर शिफ्ट होगी थी बट जुलाई में मैं वापस आई अपने लिए मई uh, hmm. में मैं गई थी जुलाई में वापस आई और मैंने वापस जाना था बट माई मॉम गॉट हेल्थ इन हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ उनको फिर हार्ट स्टंटिंग हुई थी सो okay. so, उसके बाद भी क्योंकि थ्री मंथ्स तक आपको स्टंटिंग हुई है तो आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए क्लॉटिंग फिर से ना हो जाए hmm. कुछ भी उनकी हेल्थ चेकअप्स uh, होते थे बार बार तो, तो मुझे भी. था यहीं रहना पड़ा फिर hmm. मैं फिर नहीं जा पाई सही तो इस साल अभी देखो कुछ और भी चीजें चल रही है लाइन अप है साइड बाई सा है नहीं, ने भी अच्छा है लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा मुझे पता है जो भी वो करेंगे अच्छा करेंगे जो आज तक किया वो अच्छा ही किया है सो लेट सी बस वाई गुरु तो छा आप आप अपनी तरफ तो देखो मेहनत करी जा रहे हैं अपनी तरफ से एफर्ट करी जा रहे हैं बाकी जो होना वो परमात्मा ने करना मैं जिन्ना तक अचीव किया बहुत खुश हाँ मैं बहुत अपनी अपनी सैटिस्फाइड yes. कोई, yes. कोई, नहीं नहीं। so, uh, कोई, कोई करता भी नहीं है और आगे जो होगा मुझे पता है वो भी मेरा बहुत बेस्ट होगा नो दैट ऑल मेरी लाइफ इतनी ईजी लाइफ नहीं मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस है हर तरीके से हर तरीके से बट मैं हर चैलेंज को फेस कर रही हूँ रोती भी हूँ कभी कभी अकेले अपनी गाड़ी उठाती हूँ चली जाती हूँ ड्राइव पे निकल जाती हूँ रोती भी रहती हूँ कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते वो आपके थॉट चलते हैं अपने खुद के साथ सही बात है। तो फिर रोती हूँ घर पे घर वालों के सामने आती हूँ एकदम तो स्माइलिंग फेस के साथ यू you नो know, एक चीज बोल सॉरी कपिल शर्मा शो में सलीम सर आए सलमान खान के फादर हाँ जी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आंसू आए तो खुद पहुंच लेना क्योंकि अगर कोई दूसरा पहुंचने आएगा तो हाँ। वो सौदा करेगा वो सौदा करेगा ट्रू दैट तो तो आंसू आए खुद पहुंच लो कोई दूसरे को अगर आपने पहुंचने का मौका दे दिया तो वो सौदा कर लेगा क्योंकि मुझे लगता लगता है कि कुछ ना कुछ ना शायद मुझे है, मतलब रहता है तो वो आ, तो वो इसलिए अगर आप किसी के ऊपर वो होता है ना कि आपने किसी के कंधे पर से रख दिया तो आप उस पर डिपेंडेंट हो गए बिल्कुल क्योंकि आपने किसी को अपना दुख बता दिया मुझे लग रहा है वो आपकी वीकनेस उसको समझ आ गई तो अब वो इस को हो सकता है वो इंसान अच्छा हो हाँ। कि वो आपको अच्छे से सपोर्ट कर दे बट वो और बहुत रेयर चांस yes. है और बेटर है कि खुद ही रोलो खुद ही ah. समझा लो एंड खुद ही आई थिंक यू बिकम मोर स्ट्रॉगर आई फील यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ आई फील यू नो दैट्स हाउ आई थिंक आई एम ऑल्सो बिकमिंग यू you नो know, आपकी इंस्टाग्राम देखो तो मज़ा ही आया था देख के है ना वो आपने एक वो कंगना रनौत वाला भी शूट किया आपने वो लंबे से गुत वाला है ना <laughs> मैंने आपको वही बोला ना कि आई लाइक टू एक्सप्लोर मुझे हाँ, मतलब बोरिंग चीज़ें नहीं पसंद अब मैं हाँ। नॉर्मल फोटोशूट ऐसे बैठ के भी करवा सकती हूँ हाँ। मुझे बहुत लोग कहते भी हैं यार कि थोड़ा सा ना तू आ, ऐसा फोटोशूट करवाया कर थोड़ा डिसेंट भी लगे मैंने डिसेंट ही लगते हैं मैंने तो कौन सा कोई कपड़े निकाल दिए है ना वो अच्छे ही है मैं थोड़ा सा थोड़ा हॉलीवुड फील में भी आ जाती हूँ ना यार ठीक है चलो हॉलीवुड में काम तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे बट थोड़ी फील तो ले सकते हैं कुछ नहीं पता कुछ आपको बता दूं

आज वहां जाके सिर्फ चाय पी के आनी है तो हम वहां जा चाय पीने भी नहीं पहुंच पाएंगे ट्रू 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 है ना अगर ने? मैं सोचू कि यार मुझे अगले महीने बेंगलोर जाना है और बेंगलोर के इस होटल में रुकना है तो उसके लिए मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे हुँ, और हुँ, उस हुँ. एफर्ट के चक्कर में मैं काम करूंगा और मैं एक दिन पहुंचूंगा बिल्कुल है ना यू नो एक मोटिवेशनल स्पीकर है उसने एक बात बोली बहुत अच्छी उसने बोला कि कभी आप ट्रैवल का मौका मिले ना जहाज में तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो कहता आप एक बार बैठ गए ना उस क्लास में कहता आप कोशिश करोगे कि मैं जिंदगी में हर बार बिजनेस क्लास में ट्रेवल ट्रो, ट्रो। आप, आप, मेहनत भी, yes. भी करोगे yes. आप वैसे आ जाएगी yes. मुझे उतना पैसा कमाना है hmm. बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर आप अगली बार पीछे जाके नहीं बैठ पाओगे बिल्कुल बिल्कुल हमेशा बड़ी गाड़ी सोचो बड़े सपने देखो बड़ी चीजें देखो तभी आप करोगे इसलिए कहते ना अपना सर्कल भी आप वैसा रखोग आप सर्कल ही अपना ऐसा रखे कि जिनमें सबसे राजा आप ही हो आ, तो आप क्या ही ग्रो करोगे बात है। आप सर्कल ऐसा रखोगे ना जिसमें आप कह रहे यार इसने ये अचीव किया कैसे आप सीखो उनसे आई थिंक सो आई थिंक सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सच में बताऊँ आपके साथ ही मेरा मुझे लगता है फर्स्ट इंटरव्यू पॉडकास्ट जो भी हम कह लें ये ऐसा है कि जिसमें मुझे लगता है कि आई काइंड ऑफ यू नो स्पोक माई हार्ट आउट यू नो कि मैंने डीप कॉन्वर्सेशन किसी के साथ की है ऐसे मतलब जनरली ये होता है कि वो पॉइंट टू पॉइंट अच्छा फेवरेट हॉबी yeah. uh, ये वो एजुकेशन yeah. काम का ईयर कौन सा वो वैसा ये इट्स लाइक यू नो दैट हार्ड टू हार्ड कॉन्वर्सेशन यू नो वेयर यू रियली फील एंड यू स्पीक आउट You know, आप की मुझे बहुत मजा आया, नहीं, नहीं वो मजा इसलिए क्योंकि क्या है ना कि वो नहीं करना चाहता था की तो जो सब पूछ चुके हैं बिकॉज वो तो दुनिया देख चुकी है ना कि okay. जो किसी ने ना देखी हो है ना और आई होप की परफ्यूम्स का किसी को नहीं पता होगा <laughs> <laughs> ये सब बातें मैंने कभी बोली नहीं किसी को परफ्यूम तो आज कौन सा लगाया आज तो मैंने ऊद लगाया हुआ है। okay. अभी गाड़ी में लगा रहे थे। तो मैंने मैंने चेक कर लिया था। <laughs> <laughs> मैंने वो ऊद की एक तो बॉटल लगी। मैंने वो छोटे छोटे नहीं होते हो कहा वही कह से दुबई से अच्छा वो भी मिलती है कौन सी शॉप है दुबई में जो दुबई मॉल है उसके अंदर शॉप सही है तो so, वो वो ये होता है कि वो इजी टू कैरी होता है हाँ, वो अपने बैग चोड़ी, में रख लो तो अब मैं इतनी बॉटल थोड़ी साथ में गई वॉशरूम में गई थी अब मैं हाँ, तुम्हें लगा कर आ हाँ, you know, जितने भी, भी शाहरुख क्या है मैंने यही सुना है कि मतलब जितनी भी एक्ट्रेसेस रही हैं वो सबने के माय गॉड ही स्मेल सो गुड की उनकी जो फ्रेग्रेंसेस है वो ऐसी हैं जो शायद आपने कहीं भी स्निफ की ही नहीं है सो so, और मुझे भी मेरे लिए एक बॉडी ऑर्डर और एक जो आपकी ओ, होता है ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा और मेरी ना सेंसेस बहुत स्ट्रांग है आ, जैसे कि जैसे घर में भी हमारे ना कई बार जैसे गैस हल्की सी भी जैसे निकल रही हो कहीं तो, से एक मिनट में मम्मी मम्मी कह रही तेरी तो तो कुत्ते वाली नाक ना, है <laughs>

मैंने उनको बताया सो so, ये है कि मुझे मैं हम बात कर रहे थे की तो मुझे मेरे लिए इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि मुझे खुद किसी और को हाँ, स्मेल मेरे से अच्छा आए ना आए वो दैटेंड केस बट मुझे खुद से पहले से मुझे आनी चाहिए मुझे खुद को एक फील गुड होना चाहिए कि की हाँ। और वो अच्छी चीज भी है तो जो कोई भी हो पहले वो इतना लेके आए अच्छा सा

हाँ जी उनकी मैं मतलब पढ़ती रहती हूँ तो उनकी एक है जो आ, जो जिस जिससे मैं कनेक्ट करती हूँ कि अपने हालात का एहसास नहीं है मुझको hmm. अपने हालात का एहसास नहीं है मुझको मुझे औरों ने बताया है कि परेशान हूँ मैं क्या बात है सो so, ये होता है कि आप सामने से दिखाते हो कि आई एम दी बेस्ट आई एम गुड आई एम परफेक्ट बट शायद वो लोगों को दिख जाता है हाँ। कि अच्छा तो सही नहीं है तो जस्ट खुद को शायद यूर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ सो एक कई बार आई थिंक बहुत बार आपके लाइफ हाँ। में ऐसे हालात आते हैं जहाँ पे आप हाइड करते हो अपने इमोशंस बहुत सारी हाँ। चीज़ें सो so, ये शायरी है जिससे मैं थोड़ा कनेक्ट करती हूँ खुद हाँ। को कि यू नो हम खुद को शायद पागल बना देते हैं कई बार बट वो पता चल जाता है सामने वाला फेस तो सब कुछ yes, है यस yes, यस yes. कई बार जैसे मैं बैठी होती हूँ हाँ। मैं स्माइल भी रही होती हूँ मुझे कई लोग कहेंगे तू स्माइल करती है तो एकदम से ऐसा लगता है कि इन अनदर वर्ल्ड तो आप कई बार दिखाते हो हाँ, बट वो होता नहीं है बट वो होता नहीं है एक्चुअली और आई थिंक यही आज की दुनिया यही है कि आप खुलकर अपने अपनी चीजें शेयर ही नहीं कर पाते हो किसी के साथ ना जो आपने पहले भी बताया है हाँ। ना कि लोग फिर जज जज करते ज़्च करते, ज़्च करते, हैं। करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए हम डरते हैं नहीं करें। बिल्कुल। जी। तो आई होप कि यू you नो know, मैं नेक्स्ट आपका करूँ बॉम्बे में चाहे वाई गुरु चाहेंगे हंड्रेड परसेंट ऐसे ही होगा तो। और हम, फिर मैं आपको खुद कॉल करके अपना काम करो मैं कॉल कर लूंगा <laughs> <laughs> नहीं नहीं टाइम नहीं, नहीं, इन्वेस्ट किया अभी नेक्स्ट टाइम मैं नहीं हमारा काम है आपको याद करना हम याद करते रहेंगे बस आप काम करो हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे आपका इंटरव्यू करने और बढ़िया सा इंटरव्यू करेंगे इसके आगे की लाइफ की जर्नी अभी तक उस की जर्नी तो हमने शेयर कर ली yes. है थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत मजा आयाट आउट कॉन्वर्सेशन टिली इंटरव्यू टिल नाउ इन माई लाइफ सो आई इंजॉयड इट एंड आई थोरली लवेंक यू सो मच